नमस्कार। पुणे एक ऐसी जगह है जहाँ पे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। हर दूसरे दिन आपको कहीं पे शास्त्रीय गायन या वादन का प्रोग्राम होते हुए दिखाई देगा और इन सारे प्रोग्राम्स के रिव्यूज रिपोर्ट्स जो है वो अगले दिन अखबारों में पढ़ने मिलते हैं। व्हाट आई एम सरप्राइज्ड एट इज कि इन सारे रिपोर्ट्स की जो हेडलाइन होती है वो होती है श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। मराठी में लिखते हैं श्रोते मंत्रमुग्ध झाले, ऑडियंसेस वर मेस्मराइज्ड। एंड देन आई स्टार्ट वंडरिंग वेदर दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ अ कॉन्सर्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। दूसरा एक सवाल मन में ये आता है कि हर एक आर्टिस्ट का हर एक कार्यक्रम मेस्मराइजिंग कैसे हो सकता है? हाउ कैन एवरी परफॉर्मेंस बी सुपरलेटिव परफॉर्मेंस? हर एक परफॉर्मेंस में वो हिस्सा जरूर आता है जहाँ पे वाकई में मेस्मराइज करने की क्षमता होती है, लेकिन उसके पहले जो भी हो रहा है उसका जिक्र कहीं नहीं आता। वही जो हिस्सा है जहाँ पे बहुत धमासान तान चल रही है, तबले के साथ जुगलबंदी चल रही है, वो हमें मेस्मराइज करता हुआ दिखाई देता है। सोशल मीडिया पे जो एक एक मिनट के क्लिप्स हम देख रहे हैं वो भी सारे इसी हिस्से के क्लिप्स हैं। संगीत या किसी और चीज को एप्रिशिएट करने का मतलब ये है कि अच्छे बुरे के परे, अच्छे बुरे के आगे, अच्छा बुरा तो सभी को समझ में आता है, लेकिन अच्छा क्या है और उससे अच्छा क्या है और उससे भी अच्छा क्या है ये समझ ना, इसका मतलब है एप्रिशिएट करना। और शास्त्रीय संगीत की बात हम जब आज कर रहे हैं तो दिखता है कि ये नहीं हो रहा। हमारे लिए हमारे चॉइसेस कोई और बना रहा है, कोई और हमें बता रहा है कि क्या अच्छा लगना चाहिए। हमारी चर्चा शुरू हुई थी संगीत की समझ के बारे में श्रोता के लिए, और सवाल आगे चल के ये उठा कि कितनी समझ होनी चाहिए। तो मेरा अब ये कहना है कि कम से कम उतनी समझ हो कि मैं अपने चॉइसेस खुद बना सकूं, मैं अप्रिशिएट खुद अपने लिए कर पाऊं और संगीत का सही मायने में आनंद ले पाऊं। अब ये करने के लिए क्या क्या जानकारी या समझ जरूरी है, ये अगला प्रश्न आएगा। हम चर्चा जारी रखेंगे, आपके रिस्पॉन्सेस बहुत साथ दे रहे हैं मेरी ये चर्चा जारी रखने में।